नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा और मैं आपके साथ वसुंधरा कांबोज। वो कहते हैं ना, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जिसमें जन्मों जन्मों तक साथ निभाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी रिश्ते की बुनियाद ही झूठ से, ब्लैकमेलिंग से शुरू हो तो उस रिश्ते का अंत भी बहुत भयानक होता है। जी हाँ, ऐसा ही मामला सामने आया है यमुनानगर जिले के खारवन गाँव से, जहाँ पर किस तरह से पहले लड़की को ब्लैकमेल करके उसकी एक फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उससे शादी की जाती है और बाद में जब शादी के 2 साल हो जाते हैं तो अपना असली रंग सामने आने लगता है। बाद में किस तरह से लड़का अपनी पत्नी को परेशान करता है, नशा करता है, मारा मारी करता है और यहाँ तक कि लड़की के रिश्तेदारों को भी जान से मारने की धमकी देता है, क्या कुछ पूरा मामला हुआ है जानेंगे इनसे। ये हमारे साथ लड़की मौजूद है, चेहरा हमने इनका छिपा दिया है ताकि आगे इनका भविष्य पर कुछ भी सवाल ना उठे। हालांकि पूरी खबर आप तक पहुँचाएंगे, क्या कुछ मामला हुआ है शुरू से बताइए। आपने उनसे शादी की, घर वाले राजी थे, क्या कुछ हुआ पूरी बात तक? घर वाले राजी नहीं थे, उसने फेसबुक यूज़ कर दी थी, न्यू फ़ोन लिया था, फेसबुक का शौक था, तब फेसबुक पे मैंने पिक डाली, वहाँ से उसने पिक लिया। उसके बाद बोलता कि मेरे से बात की, उसने मैसेज किया, उसके बाद बोलता है तेरी फ़ोटो मेरे पास है, मेरे साथ रिलेशन में नहीं आएगी तो फोटो वायरल होएगी, ना शादी करने के लिए छोड़ूंगा ना कुछ। तब मैं डर गई थी क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे जी। उस डरावे में आके उस चीज़ को छुपाने के लिए मैंने एक और गलती की, मैंने उससे शादी की। लेकिन शादी भी आपने छिपकर करी। छिपकर किया। ब्लैकमेलिंग आपको की गई थी, जिस फोटो के लिए ब्लैकमेलिंग की गई थी वो फोटो में कुछ गलत था, क्या कुछ? फोटो में गलत नहीं था, वो कह रहा था एडिट करके डालूंगा मैं। अच्छा, नहीं तो मतलब गलत फोटो लगा के तो वो एडिट करके वो लगाएगा, तो उस डरावे धमकाया उसने मेरे को, उस धमकावे में मैंने आके शादी की। उसके बाद उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन सब ने मिलकर मेरे को टॉर्चर करना शुरू किया जी। उनके घर में एक कुत्ता है, अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो वो उसको मेरे ऊपर छोड़ते हैं और मेरे निशान अभी तक भी हैं। 2-3 बार उन्होंने छोड़ा, लेकिन उसके बाद मैंने उनकी बात माननी शुरू कर दिया। जब कहीं जाते हैं तो बाहर से लॉक करके जाते हैं, यहाँ तक कि सुबह गुरुद्वारे जाना है तो भी लॉक करके जाना है। वो सुबह से शाम तक नशा बेचता है और शाम को जब आता है नशे में धुत हो के आता है। जब नशे में धुत हो के आता है तो मैं बोलती हूँ तो मेरे पर हाथ उठाता है, मारा मारी होती है, लेकिन उसकी माँ भी उसमें पूरा सपोर्ट करती है, उसे बोलती है कि नहीं ऐसे करना चाहिए, कोई बात नहीं, हस्बैंड है मारेगा कोई बात नहीं। और उसकी माँ भी साथ देती है, उसकी बहन भी साथ देती है। मेरा जो ससुर है मेरे को बहुत गंदी गालियाँ देता है, नशा उसका लड़का करता है, गलती उसके लड़के की, लेकिन वो मेरे साथ ही बदतमीजी करता है, मेरे को बहुत माँ की बहन की बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता है मेरे को। ससुराल पक्ष में कोई भी आपका साथ नहीं देता है, आपके ऊपर हाथापाई होती है, मारा मारी होती है और आपको अपने घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। अपने घर में नज़रबंद कर दिया जाता है, ना बाहर निकलने दिया जाता है। अगर मेरे को बाहर जाना है कहीं, मेरा भी दिल करता है बाहर जाने का, तो वो मेरे को लेके आते हैं, साथ ही ले जाते हैं, निगरानी में साथ ही घर छोड़ के आते हैं। फिर कहते हैं ना, अगर एक झूठ बोलते हैं तो उसको छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक गलती हो तो उसको वही मान लेना चाहिए, संभाल लेना चाहिए, वरना एक बड़ी गलती का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा ही उन्होंने बताया कि एक फ़ोटो जिस पे धमकी दी गई थी कि उस फोटो को गलत तरीके से बना के उसको न्यूट करके वो वायरल कर सकता है, जिससे लड़की की आगे बदनामी हो सकती है। आपकी उम्र उस वक्त 21 साल थी, है ना? 21 साल की उम्र थी, तो डर के मारे इन्होंने उनसे शादी कर ली कि शायद इनका आने वाला कल अच्छा होगा, लेकिन किसको पता था कि आने वाले कल में वो बात इनकी जान पर आ जाएगी। इनके माता पिता, आपके पिता की भी इसी सदमे से मौत हो गई। हाँ जी, मेरे पिता की भी इसी सदमे में मौत हो गई, लेकिन वो भी मेरे को नहीं पता था। वो भी मेरे को जब मेरे पापा का अंतिम संस्कार हो गया उसके कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे पापा नहीं रहे हैं, एक्सपायर हो गए हैं। और यहाँ तक कि जो मेरी शादी हुई है वो भी पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं है, लेकिन जो फेरे हुए हैं गुरुद्वारे वालों ने पैसे लिए थे, फेरे नहीं हुए वहाँ पे, पैसे लेकर सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाई है वहाँ पे, उसके बाद जाके उन्होंने साइन करवा के मेरे से वो कोर्ट में दे दिए। शुरू में शादी हुई तो तब अच्छा चल रहा था आपकी लाइफ? एक महीना ठीक था, थोड़ा ठीक था, एक महीना तक बाद में सामने आया। एक महीने बाद सास ने, ननद ने रंग दिखाना शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने रंग दिखाना शुरू किया, उसके बाद ससुर आए, ससुर शादी से मेरे 5-6 महीने बाद घर आए थे, उसके बाद वो आए, आते ही उन्होंने भी गालियाँ देनी शुरू की, वो यहाँ तक कि मेरे पर हाथ उठाने के लिए भी आए हैं। आप माता हैं इनकी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? दुख है कि कहीं ना कहीं गलती बेटी से हुई है, लेकिन कितना बड़ा एक गलती आगे गुनाह में बदल जाएगी ये नहीं पता था। नहीं पता था बेटे, मेरे को तो कुछ नहीं पता था कि ऐसा होगा मेरे साथ। अब भी वो धमकी देता है, नशा बेचता है बेटे, क्या कहाँ जाएं हम, कहाँ रात गुजारे, माँ बेटी हैं घर में, हमारे कोई नहीं है, हम बहुत परेशान है, हाँ जान का खतरा है हमारे को, हम बहुत दिक्कत में है, कहाँ जाएं हम। बेटी अब 2 साल बाद आपके पास? हाँ जी, 2 साल बाद आई है आज, और मैं साथ दूँ, कौन देगा इसका? ये भी धमकी देते हैं, मेरे पास गट्टा है, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, माँ को मार दूंगा, भाई को मार दूंगा, ये कर दूंगा। सिर पे बाप का साया नहीं, सिर पे भाई है वो बाहर है, 14 साल का है, 14 साल अब 20 साल को, 6 साल हो गए उसको बाहर गए, वो आएगा उससे मार दूंगा, ये कर दूंगा, रह के दिखाओ कैसे रहते हो।
जी यहाँ तक कि मेरे बुआ जो बुआ है उनके लड़कों को भी कहता है, मैं नाम लेती हूँ ना कि मेरे भाई हैं, तो बोलता हूँ उनको भी मारूंगा, बुआ को भी मारूंगा, एक को मारने के बाद भी जेल जाना है, 10 को मारने के बाद भी जेल ही जाना है, तो मैं जेल ही जाऊँगा 10 को मार के। सबको कहता है जो भी मेरा सपोर्ट करेगा कहता सबको मारूंगा। कहीं ना कहीं नशा ही इसकी जड़ है। जब इंसान नशे की लत में लग जाता है तो उसे खुद को सुध नहीं रहती है कि वो कर क्या रहा है। अब वो कहना उनका यही है कि वो अगर एक खून करेंगे तब भी उन्हें जेल जाना है, वैसे भी जेल जाना है, तो इसी खौफ से वो यहाँ पर हैं। और दोनों माँ बेटी अकेले घर में रहते हैं तो अंदर ही अंदर डर है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है इसके खिलाफ। वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने अपनी दरखास्त दी, लेकिन डर अभी भी कहीं ना कहीं है अंदर। हाँ बेटे, डर तो है ही हमारे को, उसका कोई पता नहीं है, वो नशे में रहता है, कहता है बालों से पकड़ कर नंगी करके तेरी माँ को घिसूंगा सड़क पे, ऐसे कभी कभी कुछ गंद बोलता है, कभी कुछ गंदी गंदी गाली देता है। 2-3 बार आया है तब भी मेरे साथ बोल के गया है, तेरे को देख लूंगा तू क्या कर लेगी, तू भी मेरे घर में आ जा। कुछ वीडियोस आपके पास हैं सबूत के तौर पर, वो वीडियोस आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से वीडियो में साफ तौर पर नजर आता है कि नशे के जाल में वो इस तरह से फंस गया है कि अब उसे खुद की भी होश नहीं है। मारा मारी करते हुए वीडियो में साफ नजर आ रहा है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नशा के बाद खुद को ही वो इंसान भूल गया है, खाना खा रहा है लेकिन खुद ही सुन्न हो गया है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि इस तरह के दलदल में फंसने को है, या कोई भी लड़की है जिसके साथ गलत हो रहा है, या ऐसे किसी भी लड़के के झांसे में वो आने वाली है, तो वो ये देख कर सचेत रह जाएं कि एक गलती को छुपाने के लिए अगर आपने ऐसा कोई भी कदम उठा लिया तो आपकी नहीं, आपके परिवार की, आपके आने वाला भविष्य पूरा का पूरा बर्बाद हो सकता है। ये और आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से मारा मारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लड़के की माता है जिसको, जो अपनी खुद की माँ को जान से मारने को हो रहा है, तो वो किसी और को कैसे छोड़ सकता है। ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अपनी ही माँ को मारते हुए ये युवक नजर आ रहा है, और जो लड़की पक्ष है उनकी ससुर उनके भी मायके वालों को मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी किस तरह से लड़के की माता लगातार उसको सहयोग दे रही है, उसको सपोर्ट कर रही है, इससे साफ तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं हम परिवार वालों का, माता पिता और परवरिश का भी यहाँ पर साफ आता है कि इनका भी कसूर होता है। अब आगे क्या करेंगे, आप अभी 23 साल की उम्र है, आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, डिवोर्स देने को वो तैयार नहीं है, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मेरे को तो उससे डिवोर्स चाहिए, वन साइडेड और डबल साइडेड हो, मेरे को उससे डिवोर्स चाहिए, मैं इसके साथ और नहीं रह सकती, क्योंकि मुझसे और नहीं सहा जा रहा है। मैंने 2 साल पूरा सहा है लेकिन मेरे से नहीं सहा जा रहा है, बच्चे नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो खुद स्मैक के नशे में रहता है तो बच्चे कहाँ से होंगे, वो उल्टा मेरे को ट्रीटमेंट दिलवाते हैं कभी कोई कभी कोई, और नहीं तो टॉर्चर किया जाता है सुबह शाम, सास बोलती है कि बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, तुम बच्चा नहीं कर रहे, मतलब बहुत गंदे तरीके से आके बोलती है वो डायरेक्टली कि बच्चा क्यों नहीं कर रहे, क्या तेरे में कोई कमी है, अपने लड़के से पूछती है कि तेरे में कोई कमी है, वो मैं तो फिर भी अच्छे तरह वो, लेकिन वो अब्यूजिंग लैंग्वेज में आके बोलती है कि क्या दिक्कत है। तो मैं अब उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैंने फिर भी अपनी शादी को बचाने की बहुत कोशिश की है, मैंने सुधर जाए, मैंने 2 साल से हर तरीके से कोशिश की है कि वो सुधर जाए, लेकिन उसको सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस वालों से उम्मीद है कि वो कुछ मदद करेंगे आपकी? पुलिस वालों से अब देखते हैं क्या होती है मदद, पूरी जिंदगी एक उस कदम पर आपकी टिकी हुई है, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन अभी भी अगर आप समझदारी से काम ले तो शायद कुछ सही हो सकता है। हाँ जी, जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं वो भी इस तरह के कदम उठा देती हैं, उनको सबको क्या कहना चाहिए? नहीं, कभी भी अपने पेरेंट्स की मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं, अगर कोई भी बात है तो अपने घर वालों को बताओ। लेकिन एक और बात आप देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी लड़की की माता उनके साथ खड़ी हैं, माँ का साया सिर पे है, बाप सदमे से अपनी जान गवा बैठते हैं, इतना कुछ हो गया, 2 साल बाद बेटी घर पर आई है और अभी भी माँ उनके सपोर्ट में खड़ी हैं, इतना कुछ होने के बाद भी आप अपनी बेटी के साथ हैं, हालांकि आपको भी जान से मारने की धमकी दी गई है, कहाँ जाएगी बेटी अगर मैं नहीं साथ दूंगी तो? मेरे को तो देना पड़ेगा, वो मेरे घर आ गई तो मैं बाहर तो निकाल नहीं सकती थी इसको, साथ तो देना पड़ेगा, बाप आगे नहीं है तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा ना इसका। फिर सभी बेटियों को क्या कहना चाहिए? मैं तो सभी बेटियों को यही बोलूंगी कि बेटे ऐसी गलती दोबारा कभी कोई लड़की ना करे, कोई भी, अपने माँ बाप से शेयर करो, मम्मी ये बात हुई है या ये नहीं हुई है, अपने पापा को बताओ जी। मैं तो यही कहूंगी भी बेटा कोई आज के बाद कोई ऐसी गलती ना, कोई कदम ना उठाओ ऐसा कोई भी। 13-13 साल के बच्चों को नशा बेचता है वो? हाँ बेचता है, 13-13 साल का, 14-14 साल का, अगर वो बोलती है उसके घर के आगे जाके गंदी गंदी गाली देता है, मेरा क्या कर लोगे ये, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा जी। बस यही वो उसका धंधा है।
तो ये लाइव तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से पूरा मामला आपको सुनाया। जो लड़की है वो इस वक्त बेहद परेशान है और काफ़ी पछतावे में है जो कदम उनसे उठाया गया है। और आप सभी से यही अपील करूंगी कि अगर ऐसी कोई भी गलती आपसे हो रही है या ऐसे किसी भी झांसे में आप फंसने को हैं तो अभी भी समय है, सावधान रह जाएं। अगर ऐसा कुछ भी कदम आपने उठा लिया तो आपकी ज़िंदगी को नर्क बनने में समय नहीं लगेगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहे वायरल हरियाणा। में यमुनानगर से वसुंधरा कांबोज।